अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने, पठान मूवी देखने जा रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने करने? सलाम कर दीजिए। घूमने जा रहे हैं। तैमूर बाबू कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। बस अभी हम लोग कुछ देर में ही निकलने वाले हैं, सब रेडी हो गए हैं। बस मेरे हस्बैंड का ही इंतजार है, बस वो आ रहे हैं तो हम लोग निकल रहे हैं। वो बस शीर आया तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड मूवी देखने के लिए। यहाँ गर्ल्स लोग है, देखिए ये गर्ल्स लोग बेचारी। सिमरन के पापा नहीं आए हैं, सूफी के मामू जान नहीं आए। तैमूर बाबू देखिए ये वाला है, ये वाला सूफी आप ही का। देखिए वो, देखिए सूफी बाबू छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आप ही का बैग है बेटा। बाबू पिकाचू की दे रहे हैं, छोड़ दीजिए। अरे वाह, आपको पता है ये पिकाचू है? पिका पिका। तो हम लोग जा रहे हैं ऑटो से, क्योंकि ओला या उबेर से हम लोग जाते तो छः आदमी को तो लेता नहीं, तो ऑटो में तो ले लेता है छः आदमी, तो इसलिए हम लोग ऑटो से ही जा रहे हैं। मुझे तो ऑटो में बैठना बहुत ही पसंद है, तो इसलिए अपने हस्बैंड को बोले ऑटो ही से चलिए। आप चले चले स्ट्रेट नहीं है ये वाला। क्या हुआ? हाँ जाइए, छोटा बेबी है, जाइए। देखिए देखो आ रहे हैं, दे दीजिए बाबू, शॉपिंग करेंगे, दे दीजिए, दे दीजिए ना। मम्मा ढूंढ ली थी। हाँ अकेले नहीं जाइएगा, लुलू जाएगा इधर मम्मा साथ। मजा आया? एक गोदी उठाना उसको, सुना कैमो पकड़ के रख रहा हूँ बच्चे। जब निकलेंगे ना किस तरफ? पठान मियां का दिल जख्मी है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तेरी पहुंच से बहुत दूर, और अब तू भी बहुत दूर जा रहा है। दे दो चीनू के जाने के बाद घर कितना सोना सोना हो जाएगा। रे कहो तो अब नहीं होता यार, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ 30 साल हो गए यार, अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमारी जगह लेकर अरे यार लेट्स गो हाथ दे यार लोअर बैक ना। रात के बाद
बज रहे हैं 11:30। हम लोग 11:20 में घर में पहुंचे थे। तो मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी पराठा बना तल दे रही हूँ, आमलेट बना दूंगी अंडे का, कुछ सब्जियाँ दोपहर का बचा हुआ था सब मिला जुला करके हम लोग खा लिए थे। और ये है सुबह का टाइम, आज सुबह का टाइम है। तो ये मैं बना रही हूँ चिकन का कीमा। तो देखिए, एक तेज़पत्ता डाली हूँ, थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ प्याज को फ्राई करके उसमें डाली हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे थोड़ा देर फ्राई करेंगे, इसमें डालेंगे कीमा। तो बॉनलेस चिकन था घर में, तो मैं इसका छोटा छोटा पीस का मतलब कीमा कर दी हूँ, छोटे छोटे पीस करके ना मैं कीमा बना दी हूँ। तो मैं सोची चलो छीमी मटर डाल करके मैं चिकन कीमा ही आज बना देती हूँ, तो बच्चे लोग खा लेंगे। तो यही मैं आज नाश्ता में बना रही हूँ, नाश्ते में भी हो जाएगा और दोपहर में तो खाना मैं दूसरा बनाऊँगी, फिर रात में भी हो जाएगा बचेगा तो मिला जुला करके। तो मैं एक चम्मच डाली हूँ लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ही मैं डाली हूँ इसमें धनिया पाउडर। इसे थोड़ा देर मिक्स करेंगे, इसमें 2 बड़े साइज़ का मैं फाइन चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे। बहुत मज़े का लगता है, अच्छा लगता है चिकन का कीमा। जो बड़े का गोश्त नहीं खाते हैं वो उसके लिए ये ठीक है चिकन का कीमा। मैं थोड़ा सा नमक डाली हूँ, ऐसे 2-3 मिनट के लिए ना गाइस कवर कर देंगे। तो अभी पानी मैं बाहर से बिल्कुल ऐड नहीं की हूँ। देखिए टमाटर का भी पानी छोड़ा, चिकन का भी पानी छोड़ा, तो उसी में सब अच्छे से कुक हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो मैं इसमें डाली हूँ 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैं डाली हूँ इसमें ज़ीरा पाउडर। अब 1 कटोरी इसमें डालेंगे छीमी मटर। छीमी मटर को मैं नमक डाल करके गाइस थोड़ा बॉयल कर ली थी, तो छीमी मटर जो है ना मतलब गला हुआ है। तो इसमें मैं अभी डाली हूँ 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे। इसमें ना 1 चम्मच मैं डाली हूँ चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि चिली फ्लेक्स ही आप ऐड किए, उसे अवॉइड कर दीजिएगा। चिली फ्लेक्स से क्या होता है ना, देखने में थोड़ा सा कलर इसका अच्छा लगता है, थोड़ा सा इसका मतलब टेस्ट चेंज हो जाता है, तो इसी वजह से मैं डाल दी हूँ। इसमें फाइन चॉप किया हुआ मैं हरी मिर्च डाली हूँ 2-3 कट करके, और इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाली हूँ। बस मेरा चिकन रेडी हो ही गया। मैं अच्छे से चिकन भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं ग्रेवी लगाई थी, क्योंकि ग्रेवी वाले ही मुझे चाहिए थे। देखिए माशाल्लाह बन गया है। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के वक्त। देखिए सबके खाने के बाद इतना बच गया है, तो चाय मैं बना रही हूँ। ये लीजिए पानी का बोतल, हटाइए लीजिए आपका जी, हाथ हटा के रखिएगा। ये आपका चाय है, इसमें चीनी नहीं ऐड किया हुआ, ठीक है। लीजिए बच्चे लोग चाय लीजिए। नहीं जी, अरे मेरा हाथ हाथ था बाबू दुल्हन बन गए उसके मुंह दिखाई दीजिए क्या बच्चा अरे बेटा हम लोग का नाश्ता चल रहा है, चाय बिस्किट तैमूर उठ के देखिए। तो आप लोग से सुनसे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ और इस वीडियो को यहीं पैन कर दूंगी गाइस। तो आज मेरा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, एकदम अजीब सा लग रहा है, बुखार सा लग रहा है एकदम। तो सोची अब इस वीडियो को यहीं पैन कर देती हूँ। तो हम लोग कल गए थे पठान मूवी देखने के लिए, आप लोगों को इस ब्लॉग में मालूम पड़ जाएगा, देख लीजिएगा हम लोग कहाँ गए थे। तो बहुत मज़ा आया, अच्छा मूवी है, तो मतलब कुछ मतलब गलत नहीं है, बहुत अच्छा मूवी है। फैमिली के साथ आप लोग देख सकती हैं, ऐसा मूवी है। तो इतने आदमी को थोड़ा ही रहता है ना कि फैमिली के साथ पता नहीं कैसा मूवी है, बच्चे लोग को लेकर के जा, हमको थोड़ा सा ना डर सा लग रहा था। मुझे भी सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत दिल था मूवी देखने का, पठान मूवी। शाहरुख खान मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे वो अभिनेता लगते हैं, बहुत अच्छे हैं सलमान खान शाहरुख खान, सबसे हीरो में मुझे यही दो हीरो अच्छे लगते हैं।
तो इनका फिल्म आया था, तो जाहिर सी बात है जानना चाहिए देखने के लिए, बहुत अच्छी फिल्म। बस थोड़ा सा मैं गाना देखी थी ना, तो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था कि बच्चे लोग के साथ पता नहीं देखने में कैसा रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छा फिल्म है, साफ सुथरा फिल्म है, फैमिली बच्चे लोग के साथ आप लोग सब साथ में देख सकते हैं, ऐसा फिल्म है। मतलब एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा फिल्म है, एक्शन मूवी है, बहुत मज़ा आया देख करके। तो जो अभी तक नहीं देखे हैं प्लीज़ जा करके ज़रूर देखें, आप लोग इन्जॉय कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा वो पठान मूवी। तैमूर को मजा आया था? आपको आया था बेटा? नहीं आया था क्योंकि तैमूर ना फर्स्ट टाइम गए थे, जब से तैमूर में तब से हम लोग मूवी देखे ही नहीं वहाँ थिएटर में जा करके, तो फर्स्ट टाइम तैमूर गए थे ना बेटा। मेरे मोबाइल में एक कमेंट आ रहा है कि मैं पार्क सर्कस में गई हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ब्रेकअप की हूँ। बताइए तो गाइस कैसा कैसा सब कमेंट कर रहा है, कितना गलत बात है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। और बताइए, मेरी सिमरन जब देखी थी ना तो बहुत उसको गुस्सा आया था कि मम्मी आप पार्क सर्कस गई कब, कि बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। वो नहीं बदमाशी करते, तो देख लीजिएगा आप लोग कमेंट कैसा कमेंट सब भेजते हैं। तो गलत जब मैं शुरू में जब मैं मतलब रेसिपी भी, अभी तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ गाइस, जब मैं रेसिपी भी बनाती थी ना तो उस टाइम में भी एक ही आदमी गलत मतलब रॉन्ग आईडी से बना करके मैसेज करती थी, एक ही आदमी एक ही इंसान है जो इस तरीके का गंदा मैसेज करते हैं। तो मत किया कीजिए, हम इतना मेहनत करते हैं घर, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, अपना घर का सारा काम करती हूँ, वही चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये तो नहीं है कि मैं बाहर जाती हूँ या ये वगैरह, मैं तो घर में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ में जब भी मैं जाना रहता था हस्बैंड के साथ में जाती हूँ। मैं तो नीचे अपने बिल्डिंग के नीचे मैंने 15-15 दिन महीना महीना हो जाता है गाइस मुझे नीचे उतरे हुए बिल्डिंग के नीचे। सब्जी वगैरह ज्यादातर मेरे हस्बैंड ही लाके देते हैं, जब मतलब उनको काम से कहीं बाहर जाना रहता तभी मैं नीचे उतरती हूँ सब्जी वगैरह लाने के लिए। अब बताइए तो मैं पार्क सर्कस में गई अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप की, तो ये वो बाप रे क्या क्या उन लोग के माइंड में चलता है, ये सब बात जो खुद इस नेचर की होती है वो ही चीज दूसरे में उसको नजर आता है। बताइए तो मैं बॉयफ्रेंड से, जब मैं शादी से पहले मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, तो शादी के बाद मैं बॉयफ्रेंड बना ली हूँ अल्लाह तौबा। उसी रात में ना मुझे नींद नहीं आ रहा था ये सब देख करके, सुन कर ऐसा किया कीजिए आपको जो भी है, लेकिन प्लीज किसी के बारे में इस तरीके का मत किया कीजिए, क्योंकि अब कौन इन शादीशुदा है या मतलब सोशल मीडिया पे इस तरीके का मैसेज कमेंट करना बहुत गलत बात है। मालूम है मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना खराब लग रहा है या अल्लाह। किसी के बारे में अगर अच्छा कमेंट ना करने आपको आता है तो प्लीज गलत भी मत कीजिए, वीडियो ही मत देखिए मेरा, मेरे वीडियो से ना बहुत दूर रहिए, मत देखा कीजिए। मैं गलत हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ तो बाइक पे ये वो वीडियो बनाती हूँ, तो ये अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगता है तो आप लोग मत देखिए। हम जबरदस्ती तो आप लोगों के साथ नहीं ना कर रहे कि आप मेरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका दिल चाहता है तो मेरा वीडियो देखिए, गलत कमेंट प्लीज मत कीजिएगा, बहुत गलत बात है। अगर आपके बारे में कोई ऐसा गलत कमेंट करेंगे तो कैसा लगेगा, खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? इसी तरह दूसरे के बारे में भी सोचिए, दूसरे की बहन बेटी के बारे में भी सोचिए कि ऐसा कमेंट करने से पहले हम सोचें कि उसको कैसा लगेगा। किसी का दिल मत दुखाइए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, दूसरे को खुश रखिएगा तभी अल्लाह आपको भी खुश रखेगी। बस इस वीडियो अब मैं बोलूंगी तो बहुत मेरा दिल एकदम ये हो रहा है, मैं रात भर मैं नहीं सोई थी उस दिन, इतना मुझे बेचैनी सा हो रहा था। मैं हस्बैंड को ये बोले, मेरे हस्बैंड भी कितना बोले जाने तो पागल लोग है, जो भी कर रहा वो खुद उस नेचर की होगी इसलिए दूसरे को भी उसी नज़र से वो देखती है। तो बस अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ गाइस, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।